मौजूद हूँ चंद्रशेखर आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, जहाँ पे डॉक्टर महक सिंह है, उन्होंने पीली सरसों की नई प्रजाति तैयार की है और किसानों को कितना फ़ायदा मिलेगा इस प्रजाति से, पीली सरसों प्रजाति से कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना क्या तेल निकलेगा, जो भी चीज़ें हैं ये हम डॉक्टर महक सिंह जो हमारे साथ आज मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि क्या है किसानों के लिए ये। डॉक्टर साहब, ये जो पीली सरसों प्रजाति आपने तैयार की है नई, क्या है और किस तरीके से किसानों को फ़ायदा मिलेगा इससे? देखिए, मेरा ये कहना है कि आज हमारे किसान भाइयों को उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद अपने खेतों पर पैदा करना होगा और उत्पादन उनको बढ़ाना होगा, तभी उनकी माली स्थिति सुधरेगी। उसके लिए मेरा एक कहना है कि पीली सरसों की जो हमारी प्रजाति है, ये पीताम्बरी, ये देश में सबसे नया राष्ट्रीय मानक चेक के रूप में जो हमारे अखिल भारतीय शोध के परीक्षण हो रहे हैं उसमें इसको प्रयोग किया जा रहा है, और जितने भी हम परीक्षण भारत सरकार हमारे देश के विभिन्न राज्यों में कराती है, इस प्रजाति को मानक प्रजाति के रूप में रखा गया है। उसका मुख्य कारण है कि ये प्रजाति अल्प अवधि में पकती है, इसको पकने में कम समय लेती है, मात्र 115 से लेकर के 120 दिन ये लेती है। साथ ही साथ इसमें उत्पादन भी बहुत अधिक है, ये 18 से लेकर के 20 क्विंटल ये उत्पादन प्रति हेक्टेयर की दर से देती है, और उसमें तेल की मात्रा भी सामान्यतः और प्रजातियों की तुलना में अधिक है इसमें। डॉक्टर साहब बात की जाए तो एक बीघे में लमसम 3.5 क्विंटल पीली सरसों पहले होती थी, अब ये एक बीघे में कितनी मात्रा में सरसों होगी? ये देखिए, जो नई प्रजाति है इसका अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान भाई को अपने खेतों में कार्बनिक तत्व बढ़ाना होगा, क्योंकि आज कार्बनिक तत्व की मात्रा हमारे खेतों में बहुत कम रहेगी है, सामान्यतः 0.1, 0.2, 0.3 ही रहेगी। जब तक हम आदर्श कार्बनिक तत्व अपने खेतों में नहीं कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, तब तक हमारा उत्पादन आप आज रासायनिकों से, रासायनिक खादों से नहीं बढ़ने वाला है। हमको कम से कम 0.8 से लेकर के 1% आदर्श हमको कार्बनिक तत्व अपने खेतों में करना होगा। आज हमारे पास भारत सरकार की बहुत योजनाएं चली हुई हैं कि हमारे किसान भाई हरी खाद लगाएं, नेड़प का प्रयोग करें, कंपोस्ट का प्रयोग करें। इसके अलावा यदि वो दलहनी फसल बोते हैं, खास तौर से मूंग, और यदि उसको खेत में पलट दें तब भी उनके खेतों में कार्बनिक तत्व अवश्य बढ़ता है। अच्छा, बात की जाए कि जैसे एक बीघे में 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी DAP और खाद डाली जाती है, क्या इस पीली सरसों जो आपने प्रजाति ने तैयार की है कि 7 गुना ज़्यादा होगी, तो क्या खाद भी और DAP यूरिया भी ज़्यादा प्रयोग की जाएगी इस पे? देखिए, जहाँ तक बात है उत्पादन की, उत्पादन तो चूँकि हमारे खेत में आज पोषक तत्व की कमी है, हमको सबसे पहले अपने खेत की पेट की भूख मिटानी होगी। जो हमारे खेतों को पोषक तत्व की आवश्यकता है, जो 16 पोषक तत्व हमारे खेत को चाहिए वो हमको देना होगा, तभी हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आज हम 2 बातें करते हैं, एक तो हम उत्पादन करते हैं जो हमारा बीज पैदा होता है, फसल पैदा होती है, दूसरा आज हम कहते हैं कि तेल कितना हुआ प्रति हेक्टेयर की दर से, तेल उत्पादन कितना हुआ, तो हम उसको करते हैं कि हमारे तेल की प्रतिशतता क्या रही, साथ ही साथ उत्पादन क्या रहा, उसका एक सीधा एक फार्मूला सब कैलकुलेट करके आज उस प्रजाति को हम अपने उसमें विकास में लेते हैं, नई प्रजाति। अगर तेल की बात की जाए तो जैसे 10 किलो पीली सरसों में पहले 3 किलो 3.25 किलो तेल निकलता था, तो अब क्या रेशियो रहेगा कि 10 किलो में 7 गुना ज़्यादा तेल निकलेगा या कम निकलेगा? तभी तो मैंने बताया कि जो आप कह रहे हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा तेल है, 43.6% सबसे अधिक तेल है देश में। जितनी भी हमारी प्रजातियां हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तेल देने वाली पीली सरसों की प्रजाति ये पीताम्बरी है, जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से विकसित की गई है, और ये उच्च गुणवत्ता युक्त उसका तेल है हमारे खाद्य तेल के लिए, चूँकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। जिन लोगों को हृदय रोग की शिकायत रहती है, यानी कि उनकी रक्त धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमने देता, ये बहुत ही उपयोगी हमारा तेल है। और मेरा तो ये भी कहना है अपने सभी भाइयों से
कि हमको शुद्ध उत्पाद आज खाने की जरूरत है, मिलावटी, चूंकि देसी घी यदि 1000 रुपये किलो भी हम लेते हैं उसमें भी मिलावट की आशंका बनी रहती है। तो मेरा एक कहना है कि किसान भाई अपने खेतों पर पीली सरसों का क्षेत्रफल बढ़ाएं और शुद्ध उत्पादन पीली सरसों का करके शुद्ध तेल खाएं, उनको कोई भी देसी घी खाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी पूर्ति हमारे जितनी फैट हमारे शरीर को चाहिए उसको पूरी कर देता है। अच्छा, बात की जाए जैसे फैट की बात की या बीमारियों की बात की, तो ये पीली सरसों है अगर इसका इस्तेमाल करने से जो हम लोग बीमारियाँ फैल रही हैं ये भी इस पर भी कंट्रोल लगाया जा सकता है। देखिए ये तो ये जो हमारा कोविड काल था उस समय पर जिन भाइयों ने पीली सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, उन्होंने अपने नाक पर लगा लिया और अपने शरीर में इस्तेमाल किया है, चूँकि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट और ये गुण पाया जाता है, ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। सरसों का तेल और जितने भी हमारे पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, सभी उसको बनाने के लिए हम केवल सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा ये उपयोगी तेल है। तो मेरा कहना है चूँकि ये उत्पादन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, यदि हमारे किसान भाई फसल पैदा करते हैं तब भी पीली सरसों की जो फसल होती है वो हमारी सामान्य और जो सरसों की फसल होती है उसकी तुलना में 300 से लेकर 400 रुपये प्रति क्विंटल अधिक दाम पर बिकती है और तेल भी वो 25 से लेकर के 40 रुपये प्रति किलो की दर से अधिक दाम से बिकता है। आज बाज़ार में इसकी सबसे ज़्यादा मांग है। तो बात की जाए तो ये हमारे साथ हैं कानपुर के विश्वविद्यालय के डॉक्टर महक सिंह, जिन्होंने बताया जिन्होंने पीली सरसों की नई प्रजाति तैयार की थी जिससे हर बार जैसे 3 किलो होता था उससे 7 गुना ज़्यादा पीली सरसों की तेल भी ज़्यादा मात्रा में निकलेगा और ये तेल होने वाली बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा जिससे बीमारियाँ भी नहीं होंगी। तो इन्होंने पूरी तरीके से बात है किसानों के लिए किस तरीके से मेहनत करते हैं, पूरे दरार दिन करते हैं, ये अपने भारतीय किसानों के लिए हर तरीके से तैयार रहते हैं और इन्होंने नई प्रजाति का आविष्कार भी किया या नई प्रजाति की सरसों की जो आने वाले समय में भारत किसानों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कैमरा पर्सन शिवा के साथ अमित चौहान, न्यूज़ 24 कानपुर।